यूपी के संभल से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, 14 साल की नाबालिग से रेप करने का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका चाचा है। पीड़ित के साथ आरोपी ने लगभग 9 माह पूर्व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसको पीड़ित युवती ने अपने परिजनों को नहीं बताया। वहीं जब नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन नाबालिग को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे तो अस्पताल में नाबालिग ने 7 माह के मृत बच्चे को जन्म दिया। मामला प्रकाश में आने पर परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र की नाबालिग बच्ची लगभग 9 महीने पहले अपने खेत पर गई थी। आरोप है कि उसके चाचा ने उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इसकी शिकायत करने पर आरोपी चाचा ने नाबालिग को तमंचे का भय दिखाकर उसको और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। जिसके बाद बच्ची प्रेग्नेंट हुई तो उसको प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसको पास के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परिजनों को बच्ची के प्रेग्नेंट होने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची से घटना की जानकारी ली तो उसके पैरों तले खिसक गई और परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसने 7 माह के मृत बच्चे को जन्म दिया। वहीं परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना से अपनों पर से भी भरोसा उठ जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी हवस को बुझाने के लिए रिश्तों को भी नहीं देखता और उनको भी तार तार कर देता है। अब देखना होगा कि सरकार के बेहद कड़े निर्देशों के अनुसार नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। संभल से न्यूज 7 के लिए सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। सुबह 10:35 से गुन्नौर थाने से रेफर होके एक लड़की आई थी, जिसको कि भर्ती किया गया, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, 7 से 8 माह का उसे गर्भ था, उसको अस्पताल में भर्ती किया है। इसका कि जो 7 माह पहले दुष्कर्म की अपने साथ घटना का बता रही है और उसका 7:35 पर मृत बच्चे को उसने जन्म दिया। गुन्नौर कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और वादी ने बताया है कि कई महीने पहले उसी गाँव के एक व्यक्ति ने उनकी बेटी के साथ में दुराचार किया और जिसके कारण उसकी गर्भवती होने की आशंका वो बताते हुए अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और जो पीड़िता है उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। 2-3 चरणों में उसका मेडिकल लीगल होने के बाद अंतिम रूप से डॉक्टर बता पाएंगे कि वो उसकी उम्र कितनी है और उसकी शारीरिक स्थिति क्या है और कैसे। सर, डॉक्टरों ने बताया है कि उसके बच्चे भी एक्सपायर हो गया है, इस बारे में क्या कहना है? डॉक्टर ने बताया है, मेरी जानकारी में नहीं है, वही बता सकती है कि उसको किस कारण से प्रेगनेंसी थी या क्या जो भी हुआ है। मेडिकल लीगल संबंधी बातें डॉक्टर ही बता पाएंगे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।